जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से ईएलएस न्यूज पर। आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आज हो गए हैं 3 अक्टूबर गुरुवार। जी हां दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हां, आम आदमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लगभग एक महीने बाद हुआ सस्ता पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान आम आदमी के लिए आज अच्छा दिन है। दरअसल 8 सितम्बर के बाद आज पेट्रोल डीजल के दामों में इतनी भारी कमी आई है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव था। आज गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में सस्ती हुई है। आज पेट्रोल 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में पेट्रोल 74.51 रुपए प्रति लीटर रहा। वहीं 80.11 रुपए और चेन्नई में 77.14 रुपए और 77.40 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। वहीं दूसरी ओर चारों महानगरों में ग्राहकों को डीजल 67.43 रुपए प्रति लीटर, 70.69 रुपए प्रति लीटर और 69.79 रुपए प्रति लीटर और 71.24 रुपए प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, इसके लिए सरकार इस्तेमाल को लेकर जागरूक करेगी। जी हां, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने देश के सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल पर पूरी रोक नहीं लगाई है। इसका कारण बताया जा रहा है कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने से उद्योगों को काफी नुकसान होगा, साथ ही इसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जल शक्ति मिशन द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने मंगलवार को ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री द्वारा 11 सितंबर 2019 को शुरू किया गया स्वच्छता की सेवा अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों को जागरूकता लाकर इसे जन आंदोलन बनाना है। वहीं इसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने महात्मा गांधी और उनकी 150वीं जयंती पर बुधवार को 6 वस्तुओं को इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है। इसमें प्लास्टिक के कैरी बैग, थर्माकोल के कटलरी आइटम्स, पाउच, प्लास्टिक की 200 मिलीमीटर से छोटी बोतलें और स्ट्रा जैसी चीजों शामिल थी। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, रसोई में बचे हुए कुकिंग ऑयल से चलेगी आपकी कार। जी हां, जाने इस योजना के बारे में। केंद्र की मोदी सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक कदम उठाते हुए खाना बनाने के लिए एक बार इस्तेमाल कर चुके उस तेल का दोबारा इस्तेमाल को लेकर नया तरीका निकाला है। बस अब इस बचे तेल को बायोडीजल बनाया जाएगा। इसको बता दें कि कुकिंग ऑयल एक बार इस्तेमाल होने के बाद यूज करने पर शहद को बड़ा ही नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों अब बायोडीजल बनाने को लेकर प्राइवेट कंपनियों से समझौता करेगी। जो बायोडीजल बनाने के लिए प्लांट लगाएगी, शुरुआत में तेल कंपनियां बायोडीजल 51 रुपए प्रति लीटर लेगी और उन्हीं दूसरी कीमत पर बढ़कर 52.7 रुपए प्रति लीटर पर होगी। वहीं तीसरे साल बढ़कर 54.5 रुपए प्रति लीटर पर हो जाएगी। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, बिहार में जल प्रलय के बीच मौसम विभाग का अलर्ट, 4 जिलों में हो सकती है भारी बारिश की आशंका। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में भारी बारिश का दौर और बाढ़ की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के तमाम हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सबके साथ पटना में सभी स्कूलों में 3 और 4 अक्टूबर को स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं पटना, वैशाली, खगड़िया और बेगूसराय जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य में मौसम विभाग ने संबंधित जिलों में प्रशासन को अलर्ट और राहत सामग्री की सूचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और बारिश, बाढ़ की स्थितियों के कारण बिहार में तमाम रेलगाड़ियों पर रेल संचालित पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। समस्तीपुर दरभंगा मार्ग और रेलवे ट्रैक की जमीन धंसने के कारण ट्रेनों को परिचालन रोक दिया गया है। इसके अलावा पटना और डीएम कुमार रवि ने सभी स्कूलों और अन्य शैक्षिक स्थानों पर बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो वही दोस्तों, हमें उम्मीद है ये जरूरी अपडेट आप सभी को जानने को मिली होगी। वही दोस्तों, आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन दिया उसको दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जय भारत।